से हम लोग ना अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस बने रहिए हमारे व्लॉग में, हमारे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस हम लोग थोड़ा ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं इसी वजह से क्योंकि कृष्णा का एनुअल एग्जाम खत्म हुआ है फिनिश, तो थोड़ा सा हम लोग प्रेशर फ्री हुए हैं, हम लोग के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ है। तो कुछ दिन तो पढ़ाई नहीं है जब तक न्यू बुक नहीं आती। तो गाइस बने रहिए हमारे व्लॉग में, हम कुछ दिन तो हम व्लॉगिंग करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो आने वाले व्लॉग में कुछ ट्रैवलिंग व्लॉग भी आएंगे, तो आज तो डेली डेली रूटीन व्लॉग ही रहेगा। और तो बने रहिए हमारे व्लॉग में और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स कंटिन्यू। एग्जाम के चक्कर में ये पत्ते इतने गंदे हो गए थे, इसके ऊपर मतलब एक महीने से या इससे ज़्यादा हो गया स्प्रे नहीं किया, या बारिश, अभी बारिश भी नहीं हुई है, इसके ऊपर इतनी धूल जम गई है। तो मैं थोड़ा स्प्रे कर देती हूँ, स्प्रे करने से भी इतना जल्दी साफ़ तो नहीं होगा लेकिन थोड़े थोड़े तो क्लीन दिखेंगे। तो मैं सोच रही आज सारे पत्ते को मैं थोड़ा सा स्प्रे कर दूँ ताकि थोड़े थोड़े तो कुछ तो क्लीन दिखे। और बस ये देखिए कितने ब्राउन हो गए हैं, इतने गंदे, मतलब सारी धूल जमा हो गई। जो नए नए पत्ते हैं वो इतने ग्रीन दिख रहे हैं और पुराने पत्ते एकदम गंदे दिख रहे हैं, मतलब लगता ही नहीं कि यहाँ पेड़ पौधे हैं। तो आज मैं थोड़ा सा स्प्रे कर देती हूँ। सुबह सुबह आंटी आते हैं, वो जो पानी देते थे पौधे को, पेड़ पौधे को, तो पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती लेकिन ये क्लीन करने की ज़रूरत रहती है, तो वीकली वन डेज थोड़ा करना पड़ता है। तो अभी तो एग्ज़ाम था तो एग्ज़ाम की वजह से कर नहीं पाए, तो बस अभी आज कर देती हूँ। फिर बीच में तो ट्रैवलिंग रहेगा तो वो कुछ दिन निकल जाएगा। और ये पानी देने से देखो पत्ते के ऊपर जो बूंद गिर रही है ना, कितनी सुंदर दिख रहा है, वो रेड कलर का जो पत्ता है ना उसके ऊपर इतना अच्छा दिख रहा है, सुंदर, मतलब जैसे बारिश होने से होता है ना वैसे दिख रहा है। देखो मिस्टी के ऊपर, मिस्टी के ऊपर और ये वाला विंड चाइम देखो, इसके ऊपर भी धूल जम गई है, तो थोड़ा उसको भी स्प्रे कर देती हूँ। ये वाला राखी ने भेजा है, कुल्लू मनाली गई थी तो वहाँ से भेजा था उसने। और बस अभी थोड़ा सा और पत्ते कर देती हूँ, उसके बाद घर का काम करना है, बहुत सारा काम है। सारा है इन सबको थोड़ा सा कर देती हूँ बस। तो ये देखिए थोड़े बहुत तो क्लीन हो गए हैं, इसको थोड़ा डेली डेली करने से होगा, डेली डेली तो मैं नहीं कर पाऊँगी लेकिन वीकली वन डेज करने के लिए सोचूंगी, तो थोड़ा स्प्रे करूँगी वीकली तो थोड़ा साफ़ हो जाएगा। और ये देखिए कितने गंदे थे पत्ते, थोड़े थोड़े तो क्लीन हो गए हैं। और देखिए मेरे घर पर ये पहाड़ है किसका, कपड़े का, जो कि मैंने ऐसे ही पेंडिंग करके रखा है, सब प्रेस करना है। तो सबसे पहले मेरी चाय, अभी चाय पी रही हूँ, उसके बाद सारा काम। तो गाइस आज कृष्णा का थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया है, एग्ज़ाम देखे आया, आज लास्ट एग्ज़ाम था और उसको थोड़ा सा लूज मोशन हो गया है। तो अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये पोहा है उसको मैं धो के 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। फिर इसके अंदर मैं उसको एक केला और थोड़ा सा नमक और चीनी को मिक्स करके उसको दूँगी ताकि थोड़ा अच्छा लगे, इसको खाने से अच्छा होता है, थोड़ा लूज मोशन कम होता है। ऑलरेडी मैं उसको ओआरएस दे चुकी हूँ, तो बस इसको मैं थोड़ा करती हूँ और फिर अच्छा नहीं हुआ तो फिर मेडिसिन लाएंगे, तो पहले ही इसको ही मैं कर लेती हूँ। तो बस इसको मैं अभी भिगो के अच्छा सा पानी निकाल के रख देती हूँ। तो बस ये पानी निकाल लिया और मैं इसको रख देती हूँ, छोड़ देती हूँ। सो गाइस ये देखो एकदम नरम हो गया है, कुछ टाइम भीगने के बाद ये एकदम नरम हो गया है। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा केला ऐड कर देंगे और दही थोड़ा सा ऐड करेंगे अच्छा खासा, इसको इतना एक बार नहीं 2-3 बार खाना हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा खाएगा तो।
और ये देखिए दही, थोड़ा सा नमक, हल्का सा नमक और चीनी 5-6 चम्मच ऐड कर देंगे। एक बस इसको हम हाथ से ही अच्छे से मिक्स कर देंगे। कृष्णा का खाना तो लेके चलते हैं। कृष्णा ये लो तुम्हारे लिए। कैसा हुआ है गलू खाना? अच्छा हुआ है। क्या चूड़ा? दही चूड़ा केला अच्छा हुआ है। हाँ। खा लो क्या उसको? आज दोपहर में हो जाएगा तुम्हारा ये वाला? आज यही खाना है, इसको खा के पेट मैंने पेट खाली करके रखो बस, ज़्यादा और नहीं। और वो चॉकलेट मेरा है ना? स्कूल से मिला है। कौन दिया? पता नहीं। पता नहीं मतलब ऐसे मिल गया? हाँ। ऐसे ही किसने दे दिया ना? क्या किसके बर्थडे था ना क्या? अच्छा एग्जाम कैसा गया बोलो? A1 मतलब सबसे अच्छा है ना, थोड़ा सा छोड़ा ना क्या? सबसे अच्छा, कुछ नहीं छोड़ा। कुछ नहीं छोड़ा, चलो अच्छा है, गुड गुड गुड। अभी शाम का टाइम हो गया है और कृष्णा का टाइम हो रहा है कराटे क्लास जाने का, तो मैंने यहाँ पे उसके लिए मिल्क शेक बना दिया है, बनाना मिल्क शेक, तो उसको पिला के मैं उसको कराटे क्लास लेके जा रही हूँ। और गाइस देखिए यहाँ पे कृष्णा साइकिल में आगे आगे जा रहा है और मैं उसके पीछे पीछे उसकी बॉटल पकड़ के जा रही हूँ, पानी की बॉटल पकड़ के। और गाइस देखिए सामने में क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन देखो मैं आपको दिखा रही हूँ वो जो प्लांट है वहाँ पे, देखो लोहे को ग्राइंडिंग करके वहाँ पे एक पहाड़ जैसा बनाया गया है नीचे में, देखो नीचे में वो वहीं से वो ट्रेन में लोडिंग होता है। ये देखो एकदम पहले नहीं था, इससे पहले मैंने नहीं देखा था, आज फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ कि उस जगह पे उस ग्राइंडिंग करके रखे हैं लोहे को, तो वहाँ से वो ट्रेन में लोडिंग होता है। वो मेरा उस जगह पे मेरा हस्बैंड का प्लांट है, उन्हीं का है। और देखो यहाँ पे भी नीचे में एकदम क्लीन कर दिया, मतलब यहाँ पे प्लेग्राउंड जैसे बना दिया नीचे में। और गोरवाना भवन भी यहाँ पे सब चेंज, बहुत सारा चेंज हो गया। रास्ते के ऊपर भी वाइट वाली लाइन बना दी है, इसके ऊपर छत बना दी है, पहले छत नहीं थी। गाइस कितने दिन से इसमें ग्रोसरी आके ऐसे ही रही है, अभी इसको ग्रोसरी को साइज करना है, बहुत दिन से मतलब कुछ काम नहीं कर पाए हैं, तो ये ग्रोसरी को साइज करना है उसको भी, और जो नया आया है उसको भी अच्छे से रखना है साइज करके। तो मैं अभी मैं किसका को छोड़ के आई हूँ कराटे क्लास, और इसके बाद ये वाला काम करके फिर उसको लेने जाना है। उसको लेने जाने के बाद थोड़ा सा पार्क जाएंगे, देखिए कार्टून खाली हो गया है। ये एक महीने से आके ऐसे ही टेबल के ऊपर था, इतना एग्जाम का इतना प्रेशर था कि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, सारा घर ऐसे ही पूरा घर का काम पेंडिंग है, इस तरह से मैंने सजा दिया है। और देखो ये जितना मतलब ज़रूरत होता है तो सारा ग्रोसरी में रख देती हूँ अलग से बाहर में, और जार में भर्ती करके रख देती हूँ, और जो ज़रूरत नहीं होता है एक्स्ट्रा हो जाता है उसको मुझे रखना होता है तो मैं इस तरह से बड़े डिब्बे में रख देती हूँ, ताकि चूहे से मुझे मतलब सेफ है, चूहा नहीं लगता है यहाँ पे बस इसके अंदर में। तो बस ये इस तरह से मैं करती हूँ। सो गाइस ये वाला तो काम हो गया है, अभी मैं जाती हूँ कृष्णा को लेने के लिए क्योंकि उसको लेने का टाइम हो गया है, और अगर टाइम रहेगा तो पार्क का एक व्यू ले लेंगे, उसका भी घूमना हो जाएगा और ब्लॉग में भी एक व्यू आ जाएगा पार्क का। तो चलो चलते हैं, बाय बाय, मिलती हूँ पार्क में। तो गाइस हम लोग निकल के कृष्णा को लेकर घर पहुँच गए हैं क्योंकि आज तो पार्क बंद था, है ना? तो घर खोलो, ऐसे ऐसे पकड़ते बोतल, बोतल मुझे हाथ में दो, दो हाथ में दो। तो गाइस अभी कृष्णा कराटे क्लास गया था, उसके बाद कृष्णा के लिए कॉरियर आया है। क्या है? कृष्णा ने मंगाया था ईयरपॉड्स, देखो कैसे खोल रहा है इसको, इतना मतलब ये सब चीज़ का इतना शौक है ना, ईयरपॉड्स, लैपटॉप यहाँ पे है, ईयरपॉड यहाँ पे है, मोबाइल यहाँ कहीं पे होगा अभी, है ना? यहाँ पे मोबाइल दे रहा है, देखिए चीज़ है। अच्छा से आराम से खोलो, उसको वापस करना पड़ेगा, देखिए कैसे
इसका लाइट मतलब ऑन करने से ओपन करने से लाइट चलेगा ना क्या, है ना? कौन सा साइड का? गाइस शाम हो गई है, घर का मैक्सिमम काम हो गया है, लेकिन मैं अपनी चाय पीना भूल गई, तो सबसे पहले मैं अपनी चाय बना लेती हूँ, क्योंकि दिन भर सुबह की एक चाय और शाम की एक चाय, बस आधा कप चाय होने से हो जाता है, तो चाय पी लूँगी इसके बाद सारा काम। और गाइस देखो ये जो सस्पेन है वो पहले नॉन स्टिक का था, लेकिन कैसे मतलब साफ़ कर डेली डेली यूज़ होता है ना, तो साफ़ करते करते कैसे हो जाता है, तो मेरे ख्याल से नॉन स्टिक बर्तन लेना ही नहीं चाहिए, बिना नॉन स्टिक का सबसे अच्छा है, हेल्दी भी है और मतलब हेल्थ के लिए अच्छा भी है। और मेरी यहाँ पे चाय हो गई, मैं चाय पीती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। बोलो आंटी कुछ खाना दे तो। क्या खाना है मिष्टी को? क्या खाना है? खाना है, खाना है, खाना है, खाना है, खाना है, खाना है, है। मिष्टी वो मेरा है, मुझे दे दो, मुझे दे दो, दे दो मिष्टी, दे दो, दे दो प्लीज, मेरा है ना, किसका है चॉकलेट, किसका है? तेरा है, मेरा है। मिष्टी को खोलना आ गया, आ गया। तो गाइस इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में आपको कल, तब तक के लिए बाय।